वी आर रेडी फॉर आवर इवनिंग प्लान जो हमने प्लान किया है. मैं आपको प्लेस बताऊंगी. अभी हम उधर ही जा रहे हैं. देख के समझ गया हो तो अच्छी बात है, वरना करते रहो गेस. यस एंड इट्स क्वाइट फेमस इन गोवा. सो यस वी आर सुपर एक्साइटेड. सो हम फटाफट, इट्स 20 मिनट्स डिस्टेंस, ठीक है, पहुंच जाएंगे टाइम पे. यस सो चलो चलते हैं अपनी सवारी पे एंड वी विल कैच यू अप. बाय. Back to our room from Thalassa and it was Thalassa, such an so it was such an amazing place. आपको इसकी पहले प्री बुकिंग करनी पड़ती है तो ही आप जा सकते हो. यू नीड अ रिजर्वेशन फर्स्ट सो यू कैन चेक आउट देयर साइट. सो ओवरऑल इट वॉज ग्रेट लाइव परफॉर्मेंस. फूड इज बिट एक्सपेंसिव आई फील, बट ओवरऑल फूड इज़ अमेजिंग. द क्वालिटी एंड ऑल्सो द टेस्ट इज़ रियली गुड. आप वहाँ अपना रिजर्वेशन कराओगे तो आप मस्त आराम से 3 hours चिल कर सकते हो एंड देन यू कैन हेड टू बार एंड इन्जॉय देयर विथ फूड एंड ड्रिंक्स एज वेल एंड लाइव परफॉर्मेंस इन्जॉय करो. तो हम गए थे अराउंड, हमारी बुकिंग थी 5:30 की, राइट? सो हमारा टेबल अलॉटेड था बाय 8:39. देन वी हेडेड टू लाइव परफॉर्मेंस एंड देन वी जस्ट केम बैक एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू चिल रूम में, क्योंकि हम रोज रात को बागा बीच पे जाके चिल करते थे. नहीं चिल करेंगे, थोड़ा मूवी वूवी देखेंगे, टीवी वी है तो यूज करें थोड़ा उसको. तो नाउ वी विल चिल. मैंने आइसक्रीम भी लाई तो मैं आइसक्रीम भी खाऊंगी. सो यस वी विल कैच यू अप टुमारो मॉर्निंग. सो यस चलो देन, बाय, गुड नाइट. Good night.
गुड इवनिंग, राइट नाउ इट्स 4 PM एंड इट्स अ लास्ट डे इन गोवा. सो हमने सोचा इस पर आराम करके आराम से निकलेंगे बिकॉज वी हैव टू ओनली एक्सप्लोर नियर बाई चर्चेज जो हम जा रहे हैं अभी, एंड देन माइट बी वील गो टू अ बीच, लेट्स सी हाउ डज इट गोज. सो इसलिए नाउ वी आर ऑल रेडी एंड स्टेडी, सो गो. मिला नहीं बिकॉज चर्च बंद है, आई गेस बिकॉज ऑफ रेनोवेशन. वो कुछ तो बोल रहे थे बिकॉज ऑफ रेनोवेशन इट्स क्लोज. अनलकी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलवेज एक्चुअली टाइम पे आधी दुकानें आधी चीजें आधी जगह बंद हो जाती हैं, तो ठीक है कोई नहीं. बट इट्स सो प्रिटी, इतना मस्त था. मैंने इसे देखा था, शरारत सीरियल आता था ना, आपको पता ही होगा, उसमें मैंने ये चर्च देखा था. एंड तब से आई वॉज लाइक कि जाना है यार, देखना है. एंड आफ्टर फाइनली सो मेनी ईयर्स, जब मैं 25 की हो गई तब मैं ये चर्च देख ली. आई एम सो लकी इनफ. सो यस, अब हम जा रहे हैं दूसरे चर्च में, होपफुली उसकी एंट्री मिले हमें एंड वो कुछ बंद ना हो. सो चलो लेट्स लीव बिकॉज यहाँ बहुत ट्रैफिक है पंजी में एक्चुअली देखा जाए तो भाई. सो यस, वी आर डन विथ क्लिकिंग फोटोज, लाइक आई एम डन, इसे तो कुछ क्लिक नहीं किया. आई एम डन एंड एवरीथिंग. सो या लेट्स गो, चलो. सो राइट नाउ वेयर वी आर एट बेसिलिका का आर्किटेक्चरल म्यूजियम है. यस, एंड चर्च उस तरफ है पर शायद वो भी क्लोज है. सो अभी हम म्यूजियम घूमने वाले हैं. सो वी विल शो यू अराउंड, इट्स वेरी प्रिटी, पूरा वाइट एंड ओवरऑल ग्रीनरी इट्स सो ब्यूटिफुल. सो चलो आई शो यू अराउंड. तो बेसिलिका आर्किटेक्चरल म्यूजियम के अंदर भी बहुत चीज़ें हैं, बट वहाँ पे हम लोग अंदर जाएंगे तो भी ज़्यादातर शूटिंग अलाउड नहीं है एंड वो सब का प्रॉब्लम्स. सो वी आर नॉट शोइंग इट इनसाइड, यू कैन गो अहेड एंड चेक इट आउट व्हेन वी आर कमिंग टू गोवा. दिस फॉल्स इनटू ओल्ड गोवा, सो एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. सो इट इज़ अ मस्ट विजिट इफ यू आर you know scenic view lover or architectural lover of the old Goa properties and things, you should definitely visit. Actually unhone bahut acche se ekdam soch samajh ke build kiya, it's very pretty, so it's a must visit. So we were heading back to our room and in between we saw this beautiful church, it's so pretty, but unfortunately andar renovation chal raha hai, so we are not allowed to go inside, but humne bahar se thoda dekh liya and the videography is not allowed. बट मैंने बाहर से आपको चर्च अभी दिखाती हूँ, सो प्रिटी है ना कपिल, बट हम अंदर नहीं जा पाए. एक्चुअली हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ सब जगह रेनोवेशन चालू है हर चर्च में, सो अनलक्की, बट कोई नहीं. Finally back to our room after having an amazing delicious dinner at Brito's, and हम कपिल के friends भी मिले जो मुंबई में नहीं मिले तो हम गोवा में मिले, and we had a good time. So now it's time to rest, it's time to sleep because कल हमारा है check out and हमें सब समेटना है, पूरा room पूरा पसारा हो चुका है, so we have to get done with the packing thing. So yes, I will end my vlog here for the day and I will see you tomorrow morning. हेलो, सो लास्ट मॉर्निंग इन गोवा एंड अब आज जल्दी उठ गए लकीली, एंड राइट नाउ इट्स अराउंड 8:45-9 एंड हमने सोचा कि बीच जाके आ जाते हैं एक घंटे में एंड देन वी हैव टू चेक आउट बाई 10:30.
सो हमारी ट्रेन है 12 बजे की, सो तब तक हम बीच पर टाइम पास करके आ जाते हैं 1 घंटा. हमारे यहाँ से बीच इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक 2 मिनट्स वॉकिंग. 2 मिनट्स वॉकिंग, यस. हाँ, बट हम जाएंगे स्कूटी से. तो अगले सफर में, अगले वीडियो में, अगले डेस्टिनेशन पे. टिल देन बाय बाय. नो वेट, सो लेट मी आस्क हिम, हम अगले सफर में किधर जा रहे हैं फिर? क्योंकि जितना आपको भी पता चलेगा, इनको भी पता चलेगा अगले व्लॉग में. बाय. सो यार, दैट्स इट. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, कभी कोई अगले सफर में. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. सो यस, बाय.